सो वेलकम गाइस अगेन। और आज हम देखेंगे सीबीसी, मोस्ट कॉमन टेस्ट ऑफ अवर हेमाटोलॉजी, जिसको हम कंप्लीट ब्लड काउंट, कहीं कहीं पे हेमोग्राम। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की बात है, एचजी से हेमोग्राम होता है और एचबी से हमारा हीमोग्लोबिन होता है। तो दोनों में फर्क है, ये कई बार डॉक्टर लिख देते हैं एचजी या एचबी, सो वो कंफ्यूजन होता है। तो हेमोग्राम होता है फुल ब्लड काउंट और अपना एच बी होता है हेमोग्लोबिन। और कई कहीं कहीं इसको मेन फॉर्म में एफ बी सी भी जानते हैं, फुल ब्लड काउंट। ओके, सो हम देखने वाले इसमें कि क्या कैसे सब कुछ जो भी इसके बारे में होता है, क्या ब्लड देते हैं, मतलब सब कुछ देखेंगे। ऑल दो यार, ये जो टेस्ट है इसकी रिपोर्ट्स की बात करें तो वो पूरा डिपेंड होता है कि पर्टिकुलर बंदे की रिपोर्ट क्या आ रही है। वो उसका एक जवाब आंसर नहीं हो सकता कि ये बढ़ा है तो ऐसा होगा, ये घटा है तो ऐसा होगा। तो वो पूरा सब कुछ आपस में कॉम्बिनेशन करके तब फाइनल रिजल्ट निकलता है। हम थोड़ा एक बार देखेंगे कि होता क्या इसमें सीबीसी। सो करते हैं किसके लिए ये टेस्ट। वैसे है तो हमको बहुत ही वाइड इंफॉर्मेशन देता है, कहने को एक सिंपल टेस्ट है बट बहुत ही वाइड इंफॉर्मेशन देने के लिए सफिशियंट है ये। स्टार्टिंग लेवल पे फर्स्ट ऑफ ऑल एनीमिया हमको बता सकता है, इन्फेक्शन कोई भी हुई। एनीमिया कैसे, आरबीसी अगर हमारे ऊपर नीचे हुए तो एनीमिया बढ़ गए, पॉलीसाइथीमिया। इन्फेक्शन, हमारा डब्ल्यूबीसी लेवल इंक्रीज हुआ या पीक डिक्रीज हुआ तब भी हमको इन्फेक्शन है। अगर उसके भी हम डिफरेंशियल काउंट में जाएं डीएलसी देखने, तो वहां अगर बेसोफिल बढ़ा हुआ है, इयोसिनोफिल बढ़ा हुआ तो एलर्जिक इन्फेक्शन है, इयोसिन बढ़ा है तो पैरासिटिक इन्फेक्शन भी आ सकती है। देन अगर प्लेटलेट में कोई दिक्कत है, यानी प्लेटलेट काउंट लोअर है, तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है बंदे को, राइट। और तो और कैंसर तक का भी, यानी कि अगर ल्यूकोसाइट अपना लेवल बहुत ज्यादा हो गया तो माइलॉइड या लम्फॉइड ल्यूकीमिया की तरफ भी इशारा कर सकता है। थैलेसीमिया का भी हम पता लगा सकते हैं इसको, पर वो थोड़ा टेक्निक होती है, गुड डॉक्टर कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल विद द हेल्प ऑफ दिस सीबीसी। पूरा पूरा नहीं, पर कहीं हद तक वो अंदाजा लगा सकता है कि हाँ हमको केस को इस तरफ लेके जाना पड़ेगा क्योंकि ऐसा ऐसा रिपोर्ट में आ रहा है। तो सीबीसी कहने को तो नॉर्मल टेस्ट है बट वाइड इंफॉर्मेशन हमको सफिशियंट देने के लिए बहुत ही अच्छा टेस्ट है। तभी नॉर्मली सीबीसी और अपना एलएफटी आरएफटी ये तीन टेस्ट कॉमन लिख देते हैं। वैसे तो यार अगर सीबीसी रूटीन चेकअप के लिए होता ही है, किसी भी मतलब बंदे को अगर देखना हो कि भाई कुछ सब कुछ ठीक है अंदर, तो एक सिंपल सीबीसी टेस्ट ठीक होता है। मंथली सिक्स मंथ्स के बिटवीन कराना ठीक है। सो और ये है कि प्रोग्रेस ऑफ डिजीज, किसी बंदे को हेल्थ रिलेटेड कोई डिजीज है तो हम सीबीसी कर सकते हैं। अगर इम्प्रूवमेंट होगी तो हमको जो वैल्यू देखने को मिलेंगी सीबीसी के अंदर, बहुत सारी वाइड इंफॉर्मेशन होती है, वो हमको ठीक होती दिखेंगी, जिसका हम कह सकते हैं कि ये नॉर्मल है ठीक है। तो अगर बात करें सीबीसी की तो मेन तो तीन ही है जिसपे पूरा सीबीसी अपना डिपेंड होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आरबीसी रेड ब्लड सेल, देन डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, देन प्लेटलेट। अब इन्हीं की आगे हम अगर देखें तो ब्रांचेस कह सकते हैं जिन पर सीबीसी बेस है। लाइक अगर आरबीसी की बात करें तो आरबीसी का लेवल देखते हैं हम कितना है, जो कि 4.4 to 5.5 मिलियंस तक होता है, राइट। तो ये ऐसे होता है। देन डब्ल्यूबीसी और आरबीसी में अगर बात करें तो हमको क्या मिलता है, पीसीबी पैक्ड सेल वॉल्यूम भी देखने को मिल सकता है, जिसको हम हेमेटोक्रिट भी कहते हैं, राइट। तो इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आरबीसी का जो हमारा पैक्ड सेल वॉल्यूम है बॉडी के अंदर वो कितना है, तो ये भी हमको बता देता है सीबीसी। देन डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी बहुत ही सही इंफॉर्मेशन है। आरबीसी के केस में एक और चीज मेरे माइंड में आ रही है, वो है इंडिसेस। अगर आपने सुना होगा इंडिसेस एमसीवी मीन सेल वॉल्यूम, एमसीएचसी, देन एमसीएच, इसमें से जो सबसे एकदम अगर बोले तो काम की चीज है वो हमारा एमसीवी है ठीक है। जो एमसीवी है ये थोड़ा मैं माउस से लिख रहा हूँ तो ये थोड़ा गड़बड़ हो गई। सो एमसीवी की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एमसीवी, क्योंकि एमसीवी अगर जो हमारा ये फेमटोलिटर में होता है, राइट, अगर इसका ये नॉर्मल से ज्यादा बढ़ गया है, 90-96 से जाएगी ज्यादा बढ़ गया फेमटोलिटर से, तो ये क्या है, बंदे को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, जो कि हमको फॉलेट डेफिशिएंसी और विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी में देखने को मिल जाएगा। अगर इसका एमसीबी साइज से आरबीसी साइज कम दिखता है, जो कि हमको आजकल मशीन होती है ना तो मशीन में सब कुछ दिख जाता है हमको, एमसीबी इसका फेमटोलिटर के पूरा वेव बनती है उसमें डायग्राम के समेत। सो वहां से हम अगर एमसीबी लो हुआ
तो वो हो सकता है हमको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया की तरफ लेके जा रहा हो, राइट। यानी कि इंडिसेस से भी हमको बहुत हेल्प मिलती है डिटेक्ट करने के लिए एनीमिया के केस में, ठीक है। तो आरबीसी हमको एनीमिया बताता है, डब्ल्यूबीसी ल्यूकेमिया की तरफ को लेके जाता है। अगर डब्ल्यूबीसी पीक लो मतलब बहुत ज्यादा लो चल रहे हैं, बहुत ज्यादा हाई चल रहे हैं, तो कुछ गड़बड़ है शरीर के अंदर इन्फेक्शन रिलेटेड। अगर इसकी डीएलसी की बात करें तो ऑलरेडी मैंने बताया न्यूट्रोफिल इन्फेक्शन, अपने बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो न्यूट्रोफिल देखने को मिलेंगे। देन अगर इयोसिन इन्फेक्शन है पैरासिटिक हो सकता है जब इयोसिनोफिल काउंट बढ़ जाए। देन अगर बात करें हम बेसोफिल की तो एलर्जी रिएक्शन में वो इंक्रीज देखने को मिल सकते हैं। वायरल इन्फेक्शन में हमको लेम्फोसाइट इंक्रीज देखने को मिलते हैं। सो आप जो मैं बोल रहा हूँ इसको आप नोट करते रहना, यहाँ मैं लिखा नहीं क्योंकि इतना लिखने का जितना बता रहा हूँ मैं, बस आप उसे नोट डाउन करो या अपने दिमाग में बिठाओ। अदरवाइज वीडियोस को रिपीटेडली देखा करो बाद बाद में कभी अगर बैठे हो तो। सो डब्ल्यूबीसी इसमें भी फिर हम एब्सोल्यूट इयोसिनोफिल काउंट, एब्सोल्यूट अपना न्यूट्रोफिल काउंट, ये एब्सोल्यूट में भी जा सकता है जिसमें पर्टिकुलर देखेंगे, क्योंकि अगर किसी को कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन है, एलर्जिक इन्फेक्शन है, तो इयोसिनोफिल काउंट हम देखते हैं कि टोटल में से कितना है। तो एब्सोल्यूट मतलब वो पूरा उसका ही बताएगा हमको हिसाब किताब। तो उसके लिए मशीन भी आती है, 5 पार्ट मशीन है अपनी, 3 पार्ट है, तो इनमें ये होता है, राइट। सो डब्ल्यूबीसी से भी हमको बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है इसका मतलब। और यहाँ पे एक और चीज है, आरबीसी की बात करें तो आरडीडब्ल्यू होता है रेड डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, और दूसरा फिल्म, अगर हम ब्लड फिल्म की बात करें तो ब्लड फिल्म में हमको क्या देखने को मिल सकते हैं, कुछ साइज छोटे हैं आरबीसी का, कुछ जगह साइज आरबीसी का बड़ा है जिसको एनिसोसाइटोसिस कहते हैं। अगर शेप में कुछ गड़बड़ है उसको पोइकिलोसाइटोसिस कहते हैं, राइट। अब बात करें यहाँ पे प्लेटलेट्स की, सर देखो प्लेटलेट हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी अगर हमको चोट लगेगी तो सबसे पहले वहां से खून को रोकने के लिए तो प्लेटलेट ही सामने आते हैं, वो छोटा प्लग बनाते हैं, उसके बाद क्लॉटिंग फैक्टर काम करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेटलेट, अगर यानी प्लेटलेट का लेवल लो है तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर बंदे को हो सकता है, और उसको ब्लीड कभी ना कभी उसको हो सकती है। तो ये है सीबीसी की पूरी कहानी, मतलब मोटा मोटा अगर आप समझ रहे हो तो क्या है, मैंने बता दिया कि क्या ऊपर क्या नीचे, तो क्या क्या इंडिकेशन हो सकता है, राइट। अब प्लेटलेट का भी फिर, अब इसका भी है मीन प्लेटलेट वॉल्यूम, इसका भी वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाता है, और भी बहुत सारे फैक्टर है कि अगर प्लेटलेट हम उस अपने चैम्बर के अंदर देख रहे हो सो वहां प्लेटलेट अगर हमको बहुत टाइनी टाइनी पार्टिकल में दिख रहे हैं तो उसका मतलब क्लॉट अंदर है, जिसकी वजह से प्लेटलेट ब्रेक डाउन हो रहे, टूट रहे हैं, और हमको दिख रहा है प्लेटलेट उसमें अपने क्या कहते हैं कि चैम्बर में, ठीक है। जो अपना चैम्बर होता है माइक्रोस्कोप अंडर देखते हैं, रूलर, मेरे को एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा उसका, इम्प्रूव न्यू बॉर्न चैम्बर जैसे। सो उनके अंदर हमको दिखता है कि बहुत ही ज्यादा माइन्यूट माइन्यूट है, तो वहां पे ब्रेकेज दिखती है प्लेटलेट की, जिसका मतलब अंदर क्लॉट बना है और इससे टकरा रहे हैं, उसकी वजह से टूट रहे हैं। आरबीसी के केस में हमको देखने को मिल सकता है, राइट। अब थोड़ा देखते हैं सैंपल। तो सैंपल इसके लिए क्या लेंगे, मेनली हम वेन से ब्लड लेते हैं इसके लिए, और बच्चों में कई बार जैसे न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसमें हील अपना उनके पैरों के कॉर्नर से, या फिर दूसरा हम उनकी हाथ से भी ले सकते हैं, राइट। फिंगर प्रिंट लिखा है मैंने यहाँ पे, फिंगर प्रिंट नहीं फिंगर प्रिक आना चाहिए एक्चुअली यहाँ पे। सो ये कुछ मेथड है, वेन और कैपिलरीज दोनों से ले सकते हैं। अडल्ट में मेनली वेन ही प्रेफर की जाती है, और बच्चों में मेनली अपना फिंगर प्रिक प्रेफर किया जाता है, कैपिलरीज ब्लड जिसे एग्जैक्टली नाम कहते हैं। प्रिपेशन, तो कोई प्रिपेशन इसके लिए नहीं होती कि हमको फास्टिंग रहना है 2 घंटे 3 घंटे या कुछ कुछ खाना, कुछ नहीं खाना, जस्ट आपको जैसा चाहिए तो कराओ। ऑल द यार जितने भी टेस्ट होते हैं, कुछ टेस्ट को छोड़ते हैं, वो सब हम फास्टिंग कराएं तो बेटर रहता है। बाकी डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा यार, अगर कुछ स्पेशल उनका कुछ केस होगा तो बताएगा वो आपको। रिजल्ट की बात करें तो भाई रिजल्ट तो ओवरऑल देखे तो मैंने आपको बताया कि एच बी कम है, तो यानी बंदे को एनीमिया वगैरह हो सकता है, आरबीसी लेवल भी कम है तो एनीमिया हो सकता है, बढ़ गया तो पॉलीसाइथीमिया हो सकता है जो कि एक कंडीशन अपने आप में, डिजीज भी बोल सकते हैं। बात करें डब्ल्यूबीसी एमसीवी की बात करें तो वहां से हमको मैंने बताया आपको कि अगर एमसीवी जो हमारा फेमटोलिटर है वो नीचे जा रहा है, मतलब नॉर्मल रेंज से नीचे जा रहा है, तो उसको हम कह सकते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, माइकोसाइटिक एनीमिया पर्टिकुलर नाम दे रहा हूँ, अगर बढ़ गया तो वो मैक्रोप्लास्टिक एनीमिया है। अगर विद इन नॉर्मल रेंज है,
और फिर भी बंदे का आरबीसी लेवल कम है, तो वो नॉर्मल सेटिंग एनीमिया के केस में आता है, जो कि ब्लीडिंग वगैरह में देखने को मिलता है। ऑलरेडी पिछली वीडियो में आई थिंक मैंने ये डिस्कस किया ही था। ओ मैं कितना फास्ट बोल रहा हूँ यार। अगर बात करें ल्यूकीमिया की, मतलब डब्ल्यूबीसी की, अगर डब्ल्यूबीसी लेवल लो हुआ तो क्या होगा, इन्फेक्शन है, और बड़ा तो भी इन्फेक्शन है। तो डब्ल्यूबीसी का केस यही है कि हम ये नहीं कह सकते बड़ा तो इन्फेक्शन है घटा तो नहीं है। अल्टरनेट केस में हमको देखने को मिल जाता है कुछ भी हो सकता है इसमें, मतलब ज्यादा बढ़ गया तो भी इन्फेक्शन हो सकती है, ज्यादा घट गया तो भी इन्फेक्शन हो सकती है। ऑल्दो कुछ स्पेसिफिक चीजें जैसे इयोसिनोफिल काउंट हाई जा रहा है तो पैरासिटिक इन्फेक्शन, बेसोफिल काउंट हाई जा रहा है तो हमको देखने को मिलेगा कि अपना एलर्जिक एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है उसमें कुछ। देन लैम्फोसाइट काउंट हाई लो, इसमें भी वायरल दोनों में आ सकता है, अगर हाई लो जा रहा है तो मोनोन्यूक्लियस वगैरह इसमें आ जाती है इन्फेक्शन। और प्लेटलेट की मैंने बताई दी आपको कि प्लेटलेट अगर बढ़ गया तो थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं, उसे कम हो गया था थ्रोम्बोपिनिया, ठीक है, जो कि एक डिसऑर्डर है जिसमें कि हमारे जो काउंट है कम चल जाते हैं प्लेटलेट के, मेनली डेंगू जैसी और भी कुछ नॉर्मल जेनेटिक डिजीज भी होती है कुछ, जिसमें बर्नार्ड सोलर सिंड्रोम ऐसे कुछ चीज आती है जिनकी वजह से वो आपस में जो उनका काम होता है प्लेटलेट का एक दूसरा चिपक के क्लॉट बनाने का, वो फंक्शनिंग खत्म हो जाती है। वैसे वो तो एग्जैक्टली से पता नहीं चलती, अगर हम वो बहुत डीप की बात है, अभी मैं यहाँ बताऊंगा तो आप कंफ्यूज आओगे। प्लेटलेट लो चल जाए तो दिक्कत होती है, क्योंकि सिंपल है कि बंदे को ब्लीडिंग नहीं, जिनकी नोज वगैरह ब्लीडिंग चलती है आपने देखा होगा, जो धूप के टाइम में भी आएगा सीजन तो कई बार नोज ब्लीडिंग, ईयर ब्लीडिंग, गम ब्लीडिंग, तो इन केस में फिर उनको यही इंडिकेट किया सीबीसी करा भाई अपना, और वहां प्लेटलेट का वॉल्यूम देखा था कैसा है। तो ये कुछ ओवरऑल इंडिसेस का भी मैंने बताया बहुत बड़ा रोल होता है। और आरडीडब्ल्यू जो कि हमें एनिसोसाइटोसिस, पॉलीसाइटोसिस, पॉलीक्लोसाइटोसिस, आरबीसी का साइज शेप्स वेरिएशन होती है तो ये बताता है। और ब्लड फिल्म से बहुत ही डीप हमको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। रेटिकुलोसाइट्स भी हम कर सकते हैं इसमें, जो कि बताएगा कि बोन मैरो ठीक से काम कर रही है आरबीसी के अगेंस्ट, और अगर इनका लेवल लो हुआ तो हम ये कह सकते हैं ये प्लास्टिक एनीमिया है कि सभी लो जा रहा है। तो मतलब यार एक वीडियो में इसको समझाना तो मतलब बहुत दिक्कत वाली बात है, बट फिर भी ओवरऑल वैल्यू ये है कि रिजल्ट के बारे में हमें नॉर्मल रेंज को देखते हुए चलना पड़ता है, और जो कि एकदम न्यू है उसको अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए मेरे हिसाब से, डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए, बट आपको थोड़ा बहुत रिलेट करना चाहिए, अच्छा ऐसे ऐसे डॉक्टर ऐसे कह रहे तो कुछ कुछ मिलेगा, बाद बाद में ठीक हो जाता है वो, मतलब पता लग जाता है आपको कि अच्छा ऐसा है तो ये हो सकता है। और अगर लिकोसाइट अपना बहुत ज्यादा हाई जा रहा है तो वो ल्यूकेमिया की तरफ इंडिकेट करता है, फिर हम उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं, आदर इट इज माइलॉइड, आदर लैम्फोब्लास्टिक। सो ये जो अलग अलग है, इसके खिलाफ भी एक वीडियो, खिलाफ कह रहा हूँ, इसके ऊपर भी एक वीडियो बन रखी है ल्यूकेमिया के, कि हाउ टू इन्वेस्टिगेट इन द लैब, तो आप उस वीडियो के चैनल में जाके देख सकते हो, वहां पे आपको मिल जाएगी आसानी से। इंटरप्रिटेशन जैसे कि मैंने बताया कि डॉक्टर की एडवाइस लेना बहुत जरूरी है, सिंपल सा टेस्ट है वैसे, बट बहुत सी इंफॉर्मेशन को दे सकता है, तभी बुखार वगैरह से लेकर कुछ भी चीज में डॉक्टर हमें इसको ही रिकमेंड करता है। तो ये है छोटी छोटी तो नहीं शायद बन गई बड़ी सीबीसी के एक वीडियो सीबीसी के ऊपर, कंप्लीट ब्लड सेल काउंट, किसी को क्वेश्चन तो पूछ लेना। और वैसे तो मैं सोचा था एक पूरा चार्ट होता तो बड़ा अच्छा लगता उसमें पट्टी को बताने को, बट आई थिंक आपको पता लग ही गया होगा यार, क्योंकि जो मुझे सुन रहा आई थिंक वो सीरियस है थोड़ा, तभी रेगुलर वीडियो को देख रहा होगा तो उसको पता लग जाएगा यार, इतना को क्वेश्चन तो पूछ लेना। एंड थैंक यू यार।